दोस्तों, को बचपन से ये बताया गया कि एक दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि भारत के पास कोई सोने की चिड़िया थी, बल्कि दोस्तों बात यह कि इस देश में जितना सोना और संपत्ति थी वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं थी। लेकिन समय बदला और भारत की छवि पूरी तरह से धूमिल होती चली गई। भारत का इतिहास हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि हमने इस दुनिया को कितनी संपत्ति दी है। अपनी धरोहरों, संस्कृति और विरासतों के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर भारत के पास कई ऐसी चीजें मौजूद थी जिन्हें चुरा कर ब्रिटिश और गोरे मालामाल हो गए। अगर आज ये चीजें भारत के पास होती तो अपने देश की कहानी दोस्तों कुछ और ही लिखी जा रही होती। क्या आप भारत के सबसे लोकप्रिय मूल्यवान वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो भारत से चुराई गई थी? नहीं, ये सिर्फ कोहिनूर हीरा नहीं था, बल्कि मूर्तियाँ, कई तरह के विशेष पत्र और अनोखे पत्थर भी थे। करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया और करोड़ों की संपत्ति समेटकर अनमोल चीजें भारत से लूट ली। आज इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो काफी मजेदार है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मयूर सिंहासन। दोस्तों, आप लोगों ने भारत के सबसे शौकीन राजा शाहजहां का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि शाहजहां इतने शौकीन थे कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे किसी भी कीमत पर बनवा कर ही छोड़ते थे। खैर, जिस राजा ने अपने प्यार के लिए भैया ताजमहल बनवा दिया उसकी शौकीनियत के तो क्या ही कहने। मयूर सिंहासन इतिहास की उन कीमती वस्तुओं में से एक है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि सिंहासन को अब दुनिया का कोई अरबपति नहीं बनवा सकता। ये सिंहासन दोस्तों 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कई हजार कारीगरों ने 7 सालों में इसको बनाकर तैयार किया था। इस सिंहासन के पैर भी पूरी तरह से सोने के बनवाए गए थे, जबकि दोनों हाथ मयूर यानी कि मोर की कारीगरी की हुई है। शाहजहां के लिए इतनी चमक भी कम थी, जिसके बाद उन्होंने इस तख्त में कोहिनूर हीरे जैसे कई नायाब और बेशकीमती हीरे जड़वा दिए थे। 1635 में बनाए गए सिंहासन की कीमत उस टाइम 2,14,50,000 रुपए थी, यानी कि आज के समय में इसकी कीमत इतनी है कि ये किसी भी देश की गरीबी पलक झपकते ही मिटा सकता है। लेकिन आज भारत की नायाब चीजें अंग्रेजों के पास पहुंच चुकी हैं। कोहिनूर हीरा। दोस्तों, कोहिनूर हीरे के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस नायाब हीरे को हीरो का बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप इस हीरे के पीछे की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोहिनूर का मतलब है दोस्तों रोशनी का पर्वत। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरे की कीमत 150,000 करोड़ रुपए है। 105 कैरेट का हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। लेकिन ये ब्रिटेन की कलाकारी नहीं, बल्कि भारत से चुराई हुई अनमोल चीज है। ये गोरे बड़े चोटे हैं दोस्तों। कोहिनूर को मुगल शासक अकबर से लेकर शाहजहां तक ने पहना, फिर ये लुटकर ईरान पहुंच गया और फिर भारत वापस आया तो इसको अंग्रेज ले गए। कहा जाता है कि यह हीरा सिर्फ औरतों और संतों के लिए ही भाग्यशाली है, यानी कि जिन राजाओं ने इसको पाने की मशक्कत की उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में चला गया और उनका पूरा राज्य तहस नहस हो गया। अब किस चीज को भाई चुराने का अंजाम तो यही होगा ना। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हीरे पर ब्रिटेन के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश भी अपना अधिकार बता चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन है कि ये हीरा किसी को देने को तैयार नहीं है। कह रहा ना भाई, हम ना देंगे किसी को। वहाँ पटियाला नेकलेस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, अंग्रेजों को कुछ नहीं मिला तो भारत के नेकलेस ही ले गए। एक ऐसा नेकलेस जो 1923 में फ्रांस की कंपनी ने महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया था। उस दौर में केवल रानियों को नहीं बल्कि महाराजाओं को भी नेकलेस पहनने का काफी शौक होता था, लेकिन ये नेकलेस हर तरह से काफी अलग और बहुत ही बेशकीमती था। तभी अंग्रेजों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने फिर से अपना चोटापन दिखाया। खैर अंग्रेज इस नेकलेस के लिए भी दीवाने थे, क्योंकि इसमें 2930 तरह के कई बेशकीमती हीरे लगे थे। इसके अलावा ग्रहों की दिशा व दशा ठीक करने के लिए 23 रत्न जड़े हुए थे, जिनमें 18 कैरेट के 2 रूबी शामिल हैं। इस नेकलेस की कुल कीमत 166 करोड़ रुपए थी, जिसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा भी जड़ा गया था। यानी कि महाराजा भूपेंद्र सिंह अगर इस नेकलेस को पहनकर बाहर आ जाए तो उन्हें सजने और सवरने के लिए किसी दूसरी ज्वेलरी की जरूरत ही न पड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह का यह नेकलेस आजादी के बाद चोरी हो गया था, जिसके बाद में अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़कर बेच दिया गया। जगदम्बा तलवार। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का नाम सुनते ही भारतवासियों का सीना भैया गर्व से चौड़ा हो जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, शिवाजी इस देश के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा जो थे। लेकिन जरा सोचिए, उनकी ही चीज अगर भारत से भाई चोरी हो जाए तो सुनने में कैसा लगेगा। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 अनूठी तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन भवानी और तुलजा तलवार 200 साल से अधिक समय से लापता है। वहीं अगर जगदम्बा तलवार की बात करें तो जगदम्बा ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड 7वें को भारत यात्रा के दौरान तोहफे में दी गई थी। अभी तलवार महारानी एलिजाबेथ के बकिंगम पैलेस में है। इतिहास की बात की जाए तो 7 मार्च 1669 की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज कोकण के दौरे पर थे।
अंबाजी सावंत नामक उनके सिपाही ने एक स्पेनिश जहाज पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध को जीतने के बाद अंबाजी सावंत को जहाज से एक तलवार मिली। इस तलवार को देखकर छत्रपति शिवाजी बहुत ही खुश हुए। ऐसी तलवार बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने स्पेन के राजा को इसका टेंडर दिया। स्पेन के राजा ने इस तलवार के बदले शिवाजी महाराज को रत्नों से जुड़ी हुई एक अनोखी तलवार भेंट की। इस तलवार में माणिक के बीज जड़े हुए थे, लेकिन बाद में तलवार भारत से ही चोरी हो गई। होप डायमंड। दोस्तों, होप डायमंड एक ऐसा श्रापित हीरा है, ये जिसने भी पाया उसके साथ बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा। फ्रांस के खोजकर्ता इसे भारत से चुरा कर ले गए थे, जिसके बाद ये हीरा फ्रांस के तत्कालीन महाराजा लुईस 14 को बेच दिया गया। यहीं से शुरू हुआ दोस्तों बर्बादी का खेल, वो बर्बादी जिसकी आग में जलकर पूरा फ्रांस बर्बाद हो गया। न हीरे को बेचने वाला बचा और न ही खरीदने वाला राजा लुईस। लुईस 14 के बाद ये हीरा कई राजाओं के हाथ में गया, लेकिन इन हीरों को पाने के बाद सभी राजाओं का वंश बर्बाद होता चला गया, जिसका कारण था इसका श्रापित होना। कहा जाता है ये हीरा एक मंदिर से देवी सीता की आंख से चुराया गया था। हालांकि इसकी अभी तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके श्रापित होने के पुख्ते सबूत मिले हैं। करीब 2500 करोड़ की कीमत वाले होप डायमंड का नाम लॉर्ड फ्रांसिस होप के नाम पर रखा गया। नीले रंग का यह डायमंड आज अमेरिका में है। कई लोग भाई इसको दूर दूर से देखने आते हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, अगर इस हीरे के बाद कई राजा बर्बाद हुए तो क्या इसे अपनी जगह पर फिर से स्थापित करना जरूरी नहीं है? आप बताइए। वाइन ग्लास। दोस्तों, अगर आज के जमाने में शब्दों में कहा जाए तो शाहजहां अपने दौर के सबसे कूल राजाओं में शामिल थे। सुबह उठते ही उनके दिमाग में बस भैया एक ही चीज आती थी, कैसे और किन चीजों पर पैसा खर्चा किया जाए। अब जिसके पास बेशुमार पैसा हो तो भाई वो ऐसा सोच भी सकता है। दोस्तों, ने मयूर सिंहासन की तो बात करी ली, लेकिन अब शाहजहां के वाइन ग्लास पर हम आते हैं। ठीक है, शाहजहां शराब का सेवन कभी कभार ही करते थे, लेकिन शराब का सेवन करने के लिए उन्होंने अपने महल में स्पेशली वही सोने से भी महंगी धातु से जड़वा कर एक ग्लास बनवाया। आप इस ग्लास को देखिए, इसकी कारीगरी बेहद ही नायाब ढंग से की गई थी। देखने में आपको एक कप थोड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन अगर अंग्रेजों ने शाहजहां की इस चीज को चुराया तो इसकी कीमत क्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं। मुगल क्राउन। दोस्तों, किसी भी राजा के लिए एक तख्त, पैसा और रुतबा सबसे पहले आता है। ऐसे एक राजा थे बहादुर शाह जफर। शौकीनियत के मामले में बहादुर शाह जफर भी शाहजहां से कुछ ही कदम पीछे थे। अब हो भी क्यों ना, राजाओं के बीच तो भैया कंपटीशन होना ही चाहिए। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे। बहादुर शाह जफर अपने मुकुट से बहुत प्यार करते थे। उनके पास ताज और मुकुटों का काफी बढ़िया कलेक्शन था, ऐसा मुकुट जो किसी दूसरे राजा के पास नहीं था। इन्हें कुछ मुकुट में आलीशान मुगल क्राउन भी शामिल था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा भेज दिया, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। वॉर जोन में हुए खर्चे की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की चीजों को बेच दिया था, लेकिन ये मुगल क्राउन इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। कहा जाता है कि इस मुकुट की कीमत बहादुर शाह जफर के महल में मौजूद सभी सामानों को मिलाकर उसके बराबर थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो अंग्रेजों ने लूटा ना हो, विकेट के चोटे थे ये। थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। 200 सिखों के पहले राजा रंजीत सिंह ऐसे महाराजा थे जिन्होंने पंजाब का विस्तार लाहौर से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक किया। मुल्तान को जीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपने लिए एक सिंहासन बनवाया। ये सिंहासन पूरी तरह से सोने के पदक से बनाया गया था। इसकी कीमत भले ही कोहिनूर जितनी ना हो, लेकिन सिंहासन कोहिनूर जितना ही पॉपुलर था। इस सिंहासन को हफीज मोहम्मद मुल्तानी ने 10 साल में बनाकर तैयार किया था। 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में कब्जा किए जाने के बाद अंग्रेज कई बेशकीमती चीजों के साथ इस सिंहासन अपने साथ ले गए। बाद में लाखों डॉलर्स की कीमत वाला यह सिंहासन ब्रिटेन पहुंचा, जहां आज यह सिंहासन विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। दोस्तों, इस बात में तो पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। उसी युद्ध में उन्होंने पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल भी किया था। एपीजे अब्दुल कलाम सर भी टीपू सुल्तान के इस रॉकेट का जिक्र कर चुके हैं। टीपू सुल्तान के पास भी कई बेशकीमती चीजें थी जिसे अंग्रेजों द्वारा बाद में चुरा लिया गया। इन्हीं चीजों में एक अंगूठी थी जिस पर अंग्रेजों की काफी पहले से नजर थी। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर भगवान राम का नाम गुदा हुआ था। बताया जाता है कि अंगूठी उनके मृत शरीर से तब निकाली गई थी जब वो 1799 में श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के हाथों मारे गए। सोने की अंगूठी का वजन करीब 41.2 ग्राम था। आपको बता दूं, भारत की शान माने जाने वाली अंगूठी साल 2014 में क्रिस्टी के नीलामी घर से 1,45,000 यूरो में नीलाम हुई। अंगूठी के साथ टीपू सुल्तान की तलवार भी चोरी कर ली गई थी, जिसकी कीमत भी कुछ कम नहीं थी। अब आप ही बताइए, इस तरह की हरकत को क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा नहीं। सुल्तानगंज बुद्धा। 200 ब्रिटिशों ने सोने से बनी महंगी चीजों के अलावा भारत की प्रसिद्ध मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। बुद्ध की ये 7.5 फुट ऊंची प्रतिमा पिछले 150 साल से इंग्लैंड के बर्मिंघम म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है।
वहाँ के लोगों के आकर्षण के लिए प्रतिमा काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर 1861 में बिहार के सुल्तानगंज से इस मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ ना ले गए होते तो आज ये बिहार के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा होती। ये मूर्ति गुप्त पाल शासनकाल यानी कि 500 से 700 ईस्वी के समय की है, लेकिन अंग्रेजों की जरूरत तो आप देखिए, वो इसे बर्मिंघम बुद्धा के नाम से पुकारते हैं। आधे क्विंटल से ज्यादा की वजनी ये मूर्ति अशुद्ध तांबे से बनी है। कहा जाता है कि ये मूर्ति भागलपुर में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान मिली थी। इसे बर्मिंघम के उद्योगपति सैमुअल शॉर्टन ने तब 200 पाउंड में खरीदा था। आज इसकी कीमत करोड़ों में है। भारत में कई बार इस मूर्ति को वापस लाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अफसोस ब्रिटेन है कि मानता नहीं। दोस्तों, भारत की संस्कृति अपने आप में ही अनूठी दास्तां बयां करती है। इस देश के इतिहास से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जो आज अपनी जगह पर होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि आज दूसरे देश इसका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। इन गोरों ने हीरो के अलावा हमारे भगवान की मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।